गुड मॉर्निंग क्लास सेकंड, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने पेरेंट्स के साथ बच्चों स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो बेटा, आज हम अपनी नेशनल फ्लैग की एक्टिविटी करने जा रहे हैं, क्योंकि आप सबको पता ही है कि हमारा इंडिपेंडेंस डे आने वाला है ना। तो चलो, आप सभी को उसकी बहुत बहुत बधाई और हम अपनी एक्टिविटी की तरफ बच्चों मूव करते हैं। पेज नंबर 42 पर आपकी ये एक्टिविटी है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, जो सभी बच्चे इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इसके लिए आपको क्या चाहिएगा? आपको ऑरेंज और ग्रीन शीट चाहिएगी, ठीक है, जो भी आपके पास, चाहे ग्लेज पेपर की हो, चाहे आपके पास कोई और ऑरेंज पेपर, ग्रीन पेपर हो, ग्लेज पेपर हो, कोई भी पेपर हो चलेगा। और जिनके पास नहीं है वो बच्चे भी निराश ना हो, अपनी वाइट शीट पे कलर करिए ऑरेंज और ग्रीन और उसको टियर करके यहाँ पे लगा दीजिए। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, हमने जहाँ पे ऑरेंज कलर यहाँ दिखाया हुआ है हमें, तो यहाँ पे हमने फेविकोल एक ही साथ पूरे पे, एक जहाँ पे ऑरेंज कलर हमें पेस्ट करना है लगा देंगे बेटा पूरे पे, ठीक है, ताकि आपके हाथ बार बार गंदे ना हो और आपको बार बार परेशानी नहीं हो कि आप पहले उसमें फेविकोल लगा रहे हैं फिर पेपर चिपका रहे हैं। बस अब हम इसको फेविकोल को लगा देंगे और अपनी शीट को टियर करते जाएंगे और इसमें पेस्ट करते जाएंगे, है ना, आसान तरीका। तो चलो अब हम अपने काम को शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा, इस तरीके से हमने शीट ली और इसको इस तरीके से हाथों से फाड़ते जाना है आपने और इस तरीके से लगाते जाना है, ठीक है। बस ये ध्यान रखना थोड़ा पास पास ही लगाएंगे।
देखा बच्चों, ये आपकी ऑरेंज शीट का काम हमारा कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से अब हम नीचे ग्रीन शीट भी लगाएंगे। इसमें भी हम पहले एक साथ सारा फेविकोल लगा देंगे बच्चों। ठीक है, ये हमारा फेविकोल लग गया पूरी शीट पे एक ही साथ। तो चलिए अब हम ग्रीन कलर का काम करेंगे बेटा। जैसे हमने इसमें पेपर टियर कर करके लगाए हैं हाथों से, इसी तरीके से हम ग्रीन पे भी लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। बस ये ध्यान रखना, थोड़ा सा पास पास लगाएंगे। तो देखा बच्चों, आपकी यह एक्टिविटी बनके कंप्लीट हो गई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी इसको करने के अंदर बहुत ही इंजॉय करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम अपनी कॉपी की एक्टिविटी की तरफ मूव करते हैं। बच्चों तो चलो आज हम कॉपी के अंदर कैटरपिलर की एक्टिविटी करने जा रहे हैं। ठीक है, P
इसमें आप चाहो तो अपने हाथ से ऐसे ही सर्कल बना सकते हो, चाहो तो घर में मम्मी की किचन में कोई भी छोटी छोटी डिब्बी हो, ठीक है, कोई छोटी छोटी बॉटल हो तो आप उनके ढक्कन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या बहुत छोटी कटोरी हो आपके घर पे उससे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब आपके पास चाहे स्केच पेन हो या मार्कर हो, आप पहले उससे इसकी आउटलाइन कर लीजिए, ठीक। ठीक है बच्चों, और जहाँ आपको लगता है कि कहीं आपको पेंसिल नजर आ रही है तो आप उसको हल्का सा रब कर दीजिए। तो सबसे पहले हम कैटरपिलर की कैप बना रहे हैं येलो कलर की, ठीक। आप चाहो तो, क्योंकि हम थोड़ा सा इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है, ये कैप बना दिए हमने। और यहाँ पे देखो हम इसके थोड़े से हेयर दिखा देते हैं, ठीक है। हम अपनी ये ड्राइंग सुंदर करने के लिए ये सब बना रहे हैं।
हम इसमें करते हैं ग्रीन कलर। ओके ग्रीन के बच्चों, मैंने यहाँ पे दो शेड ले लिए। पहले मैं इसके अंदर लाइट शेड कर रही हूँ और कलर आपने बेटा सर्कल में ही अपने हाथ को चलाना है कलर करते समय, ठीक है। कलर ऐसे ही करना है सर्कल में, ठीक। देख रहे हैं मेरा हाथ कैसे चल रहा है, आपने भी बेटा इसी तरीके से चलाना है, ठीक है। अब इसमें मैं थोड़ा सा नीचे से डार्क शेड कर रही हूँ। देख रहे बच्चों, और इन कैटरपिलर के जो लिप्स हैं वो मैं थोड़ा सा रेड कलर का दिखा रही हूँ, ठीक है। मैंने उसके मुंह के अंदर रेड कलर कर दिया। तो आपने देखा कितना सुंदर आपका कैटरपिलर बच्चों यहाँ पे बनकर तैयार हो गया है। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी बच्चे ये दोनों एक्टिविटी जो एक्टिविटी हैं बहुत ही उत्साह से करेंगे और फिर अपने ग्रुप में नाम और क्लास के साथ आपने इनको एक साथ सेंड करना है। थैंक यू।